बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, दुकानें, फैक्ट्री और अन्य प्रतिष्ठान 15 मई तक बंद रहेंगे, जिसके कारण भंडारा के ऑटो रिक्शा चालकों पर भूखमरी की नौबत आ पड़ी है। भंडारा बस स्थानक के आगे रोज कई ऑटो रिक्शा सुबह से खड़ी रहती है, पर बसों की संख्या कम होने से चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ पहले ही जिला बंदी के बाद कुछ सवारियां जिले के बाहर जाने वाली मिलती थी, अब वो भी नहीं मिल रही है। अब ऐसी नौबत आ गई है कि सुबह से कड़ी धूप में सवारियों के इंतजार में समय गुजारना पड़ता है। अब करें भी तो क्या, कोरोना की समस्या भी बड़ी है और हमारी भी, ऐसा ऑटो चालकों का कहना है। कोई धंधे की कोरोना से मारामारी बहुत आ गई है, पैसे पानी नहीं है खाने को, घर में कुछ नहीं है खाने को, यहाँ सुबेरे से आओ एक ट्रिप नहीं लगती, धंधे की पैसेंजर नहीं आ रहे। जैसे बस स्टॉप से कुछ पैसेंजर वगैरह नहीं आते क्या? नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ बाहर की है, बाहर भी अलाउ नहीं दिया हमारे को जाने दो। जब से हमारे यहाँ पूरे लॉकडाउन हो गया तो हमारी सुबह से आओ शाम तक के यहाँ कुछ मिलता नहीं है, हम खाली रहना पड़ता है, खाली ऑटो लेके सामने वापस जाना पड़ता है। और जब से जिला बंदी हुई है जब से तो और परेशानी आ गई है, भूखमरी आ गई है, ऐसा लगता है क्या करना। परिस्थितियाँ अभी बसें वगैरह बंद है तो हमारे धंधे पानी की कुछ हो गई है, 15 दिन हो गए यार, 10 दिन। हाँ, कभी बोई नहीं होती, कभी नहीं होती, सवेरे आता 10 बजे, शाम को 5-6 बजे घर को, नहीं तो कभी हो जाता है धंधा, कभी नहीं होता। क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।